नहीं दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391, वो घड़ी आ चुकी है। 1 तारीख से आपका एग्जाम चालू होने वाला है। बहुत लड़कों के दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या लेकर जाएं, कैसे लेकर जाएं। ऐसे तो जो है आपको हर एग्जामिनेशन में क्या कैसे लेकर जाना है लगभग सभी को पता रहता है, लेकिन स्पेशली बिहार पुलिस कांस्टेबल का आप एग्जाम देने जा रहे हो तो वाकई में आपको जानने की जरूरत है कि आपको क्या लेकर जाना है, कैसे वहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। अभी जो है काफी सारी सख्ती बरती गई है और साथ साथ बहुत तरह के चेंजिंग भी देखने को मिल रही है। तो आइए डिटेल में समझिए, आपका 2-4-5 मिनट में लूंगा और साथ साथ आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है फटाफट इसके बारे में समझ लीजिए। आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। एडमिट कार्ड के साथ आपको अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। आइडेंटिटी कार्ड में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या अगर आपके पास ये सब नहीं है एडमिट कार्ड, अपना मैट्रिक का लेके जा सकते हो। जैसे कि होता क्या है कि बहुत लोगों का डिटेल्स एड्रेस जो है गलत रहता है, तो ऐसा ही अपना कार्ड लेके जाना है, मतलब का आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है जिसमें आपका सारा डिटेल्स सही सही हो, जो आपके एडमिट कार्ड से मैच करता हो। अगर थोड़ा भी इधर उधर आपका है तो समझ लो कि आपको वहां से टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो फॉर्म भरते समय कुछ कुछ गलतियां कर दिए हैं। अगर उस तरह की गलतियां होगी, छोटी मोटी गलतियां होगी, जैसे ए ई हो गया होगा, तो इस तरह की तो क्षम्य होगी, लेकिन पूरा आप अपने पिताजी का नाम गलती लिख दिए हैं, अपना पिन कोड गलती लिख दिए हैं, अपना घर गलती लिख दिए हैं, अगर आपके एडमिट कार्ड और आइडेंटिटी कार्ड मैच नहीं करेगा तो आपको तुरंत वहां से भगा दिया जाएगा। यहाँ पे एफिडेविट नहीं चलता है, एफिडेविट आपका डीवी के समय चलता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है वही लेके जाना है जो आपके आईडी कार्ड से बिल्कुल मैच हो, 100 में 100% मैच हो, ताकि वहां पे आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी वहां पे ना उठे। उसके बाद आपको एक अपना फोटो ले लेना है, एक या दो तीन आपको फोटो ले लेना है, लेटेस्ट फोटो। कोशिश करिएगा कि जब आप फॉर्म भरे थे वही फोटो लेके जाएं, तो पहचानने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ऐसे दूसरा तीसरा भी चलता है। आप दो तीन पेन ले लीजिएगा, दो तीन पेन क्या, दो पेन ले लीजिएगा, ब्लैक ब्लू या दोनों एक ही कलर का आप पेन लेके जाइएगा, क्योंकि वहां पे जो है आपको कोठा वगैरह भी रंगना है। बस अलावा आपको कोई भी चीज लेकर नहीं जाना है। जैसे आपको कपड़ा पहन के जाने के बारे में बात करें, तो लड़कियां नॉर्मल सलवार सूट पहन के जाएगी तो ज्यादा उचित है। लड़के अगर लोअर टी शर्ट पहन के जाए जींस की अपेक्षा तो ज्यादा उचित है। बेल्ट वगैरह का प्रयोग ना हो तो ज्यादा उचित है, क्योंकि वहां पे हो सकता है आपसे खुलवा भी दिया जाए। साथ साथ अगर आप जूता पहन के ना जाए तो भी ज्यादा उचित है, चप्पल पहन के जाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि वहां पे हो सके आपका जूता बाहर खुलवा दिया जाए। ये सारी चीजें हो गई। बाकी आपका मोबाइल, लैपटॉप ये वगैरह वगैरह सब तो लेकर जाना नहीं है, जाहिर सी बात है किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं रहता है। ये तो हो गई आपकी नॉर्मल चीजें जो हर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलता है। अब देखिए मुख्य इंपॉर्टेंट जिस बात पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको जहां भी आपका एग्जाम पड़ रहा है, जिस सेंटर पे भी, तो वहां जाके अपने समय से तो बैठ जाना है। बैठने के बाद जो है अपने आसपास के माहौल को भी देख लेना है, क्योंकि आपको जो ओएमआर शीट देखने को मिल रहा है, इस पे आपको कोठा रंगना है, उसमें तो एक आपका ओरिजिनल है, एक कार्बन कॉपी रहता है। तो जो आपको ओएमआर शीट देखने को मिल रहा है उसमें एक 6-7 नंबर एक पॉइंट है जिसमें क्लियर कट लिखा गया है कि यदि लड़का एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई भी गड़बड़ करता है, चोरी करते हुए पाया जाता है, या इसके द्वारा कोई भी वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो जो भी आपका पर्यवेक्षक होगा उस कोठे को रंग देगा। और उस कोठे का रंगने का मतलब ये हुआ कि आपका एग्जामिनेशन तो गया, साथ साथ आपको मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 3 साल की जेल भी हो सकती है। आप 1 साल 3 साल तक कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं हो सकता है आपके बिहार में किसी भी जॉब वैकेंसी के लिए, हो सकता है सेंट्रल के लिए भी आपको बैन कर दिया जाए। तो ये चीजें हैं। तो इसलिए जो है आप गलती करो या ना करो, दूसरे के गलती में भी आप फंस सकते हो, तो इस बात को वहां पे ध्यान रखना है कि आपके आसपास का भी माहौल ठीक ठाक है। आपका जो ओएमआर शीट होगा उस पे आपका जो है अपने राइटिंग में उसमें लिखना होता है, तो उसको अच्छे से लिखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम त्रुटि आए तो आपको बाद में भी लिखवाया जाता है। इसलिए जो है उस राइटिंग को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के कुछ इधर लिख देते हैं, फिर गलती नहीं भी किए रहते हैं, फिर फंस जाते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद से जो आपका ओएमआर शीट होगा उस पे जो आपका पर्यवेक्षक होगा उसका सिग्नेचर जरूर होना चाहिए, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आपका वहां पे 3-4 चीजें नई क्या देखने को मिलेगी इसको समझना है। देखिए सबसे पहले तो वहां पे आपका वीडियोग्राफी होगा, आपकी फोटो खींची जाएगी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। और ये थंब इंप्रेशन आपको एग्जामिनेशन में लिया जाएगा, फिर डीवी में लिया जाएगा, फिर फिजिकल में लिया जाएगा, फिर ज्वाइनिंग में लिया जाएगा, हर प्रोसेस में, फिर मेडिकल में लिया जाएगा, हर प्रोसेस में लिया जाएगा। और यही फिंगर बाबू आपका मैच नहीं होगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, आप होल्ड पे रहिएगा, जांच होगी, अगर जांच में आप गलत पाइए जाइएगा तो आपको जेल भी हो सकता है। कि ये आपको जो है नीट एंड क्लीन बनाने के लिए व्यवस्था, ये सारी चीजें की गई है। ऐसे तो हर एग्जामिनेशन में, हर वैकेंसी में आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है। अभी
एसएससी जीडी की जो वैकेंसी थी उसमें लगभग आपको जो है 2500 3000 के आसपास लड़के ऐसे होल्ड पे थे, जिसमें से 1500 लड़के भाग गए, जो चोरी चकारी करके आए थे जिनका फिंगर नहीं मिला था, 1500 भाग गए। 1200-1300 लड़के बचे हुए हैं जो होल्ड पे हैं, इन लोगों का भी ज्वाइनिंग जो है 6 महीने साल भर के बाद हो जाता है फिर से जाँच वगैरह करके। तो अगर आपका नहीं मिल रहा है, मान लेते हैं कोई कारणवश, तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर वाकई में आप दूसरे के जगह पर बैठे कुछ ऐसा किए हैं या आपके जगह पर बैठे कोई कुछ ऐसा किया है तो आप फंस सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। और बिहार पुलिस कांस्टेबल, चाहे बिहार में कोई भी अब एग्जामिनेशन हो रहा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा सख्ती देखने को मिल रहा है, इसलिए जो है अपने आप को बच बचा के रहना है। जो भी पढ़ने वाले लड़के हैं उसको विशेष करके इस पर ध्यान देखना है, क्योंकि आपके पास जो है बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बिहार पुलिस एक नहीं है, क्योंकि आप पढ़ने में ठीक ठाक हो, आप एक जगह नहीं होगे, आपके पास हजार अपॉर्चुनिटी है। और जो चोरी चकारी के बारे में सोचता है उसके पास मात्र एक अपॉर्चुनिटी होता है, वो भी फर्स्ट एंड लास्ट। बिहार पुलिस के लिए सेटिंग कराया है तो बिहार पुलिस के लिए लड़ेगा, बिहार पुलिस में नहीं हुआ तो वो कहीं नहीं जा पाएगा, ठीक है। और अभी आप लोग न्यूज देख भी रहे हैं कि बहुत सारे गिरोह वगैरह पकड़ा भी रहा है, सबके फेरा में नहीं रहना है और जाना है और अच्छे से एग्जाम देना है। मेरे तरफ से सभी को ऑल दी बेस्ट।